हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे वो एक दिन का बच्चा हो, चाहे हर उम्र के लोगों के लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि दूध से मिलने वाले न्यूट्रिशंस बहुत ही लाजवाब हैं। दूध से हमें कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी दूध को हम गलत तरीके से पीना शुरू कर देते हैं और उसको सही तरीके से नहीं पीते हैं, तो इसी के हमें बैड इफेक्ट्स जैसे ब्लोटिंग्स, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, आर्थराइटिस, सिर में दर्द, हेडेक, नोजिया या अपच, दूध न पचा पाने की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दूध को सही तरीके से कैसे पिया जाए ताकि आप इसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी को अपने अंदर ले पाए, बैड क्वालिटीज इसकी हमारे साथ न जुड़े। साथ ही साथ जो लोग दूध के इंटॉलरेंट है, मतलब कि जो दूध पचा नहीं पाते हैं या किसी भी कारण से, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, आज मैं उनके लिए एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे उनको भी दूध पचने लगेगा और वो दूध पीना शुरू कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आइए शुरू करता हूं। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों दूध के इतने न्यूट्रिशंस क्वालिटी मैंने आपको बताई, उसके बाद आप जरूर जानने के सोच रहे होंगे कि मैं दूध पीता हूं तो क्या मैं सही तरीके से पीता हूं कि नहीं। तो दूध हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एक वरदान है। दूध को सही तरीके से पी करके उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी को लेना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए पहले मैं बताता हूं कि दूध की वो कौन कौन से तरीके हैं जिसको गलत तरीके से पी करके आप अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो पहली टेक्निक है, अक्सर लोग ये करते हैं कि दूध को अपने मील के साथ ऐड कर देते हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं तो उसके साथ दूध पीने की उनकी आदत होती है, या वो दूध के साथ ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। होता क्या है कि जो हमारी मील है और हमारा मिल्क है, दोनों को पचाने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। तो दूध और खाना अगर हमने एक साथ अपने अंदर बॉडी में डाल लिया तो उससे क्या होता है कि ना वो दूध पचता है ना वो खाना पचता है। दूध भी अंदर जाकर के सड़ जाता है और खाना भी अंदर जाकर सड़ जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ना हमें दूध की मिलती है ना उस मील की मिलती है। तो दूध और खाने को कभी एक साथ ना लीजिए। दूध और खाने के बीच में हमेशा 2 घंटे का गैप जरूर दीजिए। इस बात से अक्सर ही पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन आता है कि क्या दूध को मांस, मच्छी, अंडे के साथ ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दूध को कभी भी मांस, मच्छी, अंडे के साथ बिल्कुल भी ना लें। हमेशा अंडे, मांस, मच्छी, दूध में 3 से 4 घंटे का गैप रखें, या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अगर आपने मांस, मच्छी का सेवन किया है तो आप दूध को उस दिन ना लें, नेक्स्ट डे आप दूध को लें। कम से कम 12 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर बहुत इमरजेंसी आपको दूध लेना ही है तो कम से कम 4 घंटे का गैप आप जरूर रखें। हमारे इंडिया में दूध को सुबह नाश्ते के तौर पर भी लिया जाता है, जैसे कि पराठे के साथ दूध ले लिया, नमकीन के साथ दूध ले लिया। तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध को कभी भी नमक के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध और नमक दोनों इंटॉलरेंस फूड हैं। अगर दूध को आप नमक के साथ ले रहे हैं तो ये आयुर्वेद में स्लो पॉइजन का काम करता है और हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देता है, जिसकी तरीके से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है चिल्ड मिल्क। अक्सर गर्मियों में लोग मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी, ठंडी पीना पसंद करते हैं। दूध को ठंडा करके पीना या उसका शेक बना करके पीना लोग ज्यादातर ये पसंद करते हैं। तो ठंडा दूध कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा दूध हमारी बॉडी पचा ही नहीं पाती है। वो दूध बॉडी में जाकर के कई सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कभी भी ठंडा दूध ना पिए। दूध हमेशा थोड़ा वार्म, तो हल्का गर्म या गुनगुना ही पीना चाहिए, जिससे वो हमारी बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो पाए। ठंडा दूध बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर आपका फिर भी मन हो कि मुझे ठंडा दूध पीना है तो इसे कोशिश करें कि हमें दिन में ही पीना है। जब पूरी धूप निकली हो तो आप ठंडे दूध का सेवन कर सकते हैं, वो भी रोजाना नहीं, कभी कभी। रात में या शाम में ठंडे दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चौथा है दोस्तों एडिंग शुगर। अक्सर लोगों को दूध में चीनी डाल के पीना बहुत ज्यादा पसंद आता है और लोग ऐसा करते भी हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि दूध नेचुरली मीठा होता है। दूध में लैक्टोज होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, जो दूध को नेचुरली मीठा करता है। तो दूध में अगर आप
केमिकली रिफाइंड शुगर डालते हैं या दूध में चीनी डालते हैं तो वो केमिकली बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। दूध में चीनी डाल के पीने से तरह तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे ना ही वो दूध डाइजेस्ट होता है ना ही वो चीनी। तो दूध को कभी भी चीनी के साथ ऐड करके ना पिए। अगर आपको दूध को पीना है या आपको मीठा करके पीना है, ज्यादातर कोशिश करें कि हम दूध को फीका पिए। फीका पियेंगे तो धीरे धीरे कुछ दिन आपको खराब लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं फीका दूध नहीं पी सकता, मुझे कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है, तो आप इसमें शहद, जिसे हम हनी कहते हैं, आप शहद ऐड कर सकते हैं। आप दूध में थोड़ी सी मिश्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर कभी भी ऐड ना करें। दूध में गुड़ भी ऐड करके नहीं पीना चाहिए। अगर आपको गुड़ और दूध पीना है तो पहले गुड़ खा लीजिए, बाद में दूध पीजिए, या दूध पी लीजिए फिर बाद में गुड़ खाइए। हमेशा शहद डाल करके दूध पीजिए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छा फायदा आपको इससे मिलेगा। लास्ट हुआ कि दूध को फल के साथ लेना। अक्सर लोग फल के साथ दूध को एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मैंगो शेक, बनाना शेक, खजूर शेक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दूध को कभी भी सिट्रस फ्रूट के साथ तो बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि संतरा, नींबू या कुछ भी जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनके साथ दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर बनाना शेक वगैरह पीना है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो, तो आप दूध के साथ बनाना ऐड करिए, क्योंकि दूध अकेले ही बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही अच्छा मील है। अकेले ही इसमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे फायदेमंद होते हैं। अगर बहुत ज्यादा वेट आपका कम है तो आप दूध के साथ बनाना ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल पका हुआ। दूध के साथ मैंगो शेक, मैंगो दूध के साथ तभी ऐड करिए जब आम बिल्कुल मीठा हो, खट्टा बिल्कुल भी ना हो। अगर वो खट्टा होगा तो वो जाकर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोजिया, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, ये सारी बीमारियां दूध को मिक्स करके फलों के साथ पीने से हो सकती हैं। सिर्फ मीठे फलों के साथ ही दूध पीजिए, अगर फल बहुत ज्यादा पक चुके हों तभी आप उसमें दूध का इस्तेमाल करिए। तो ये मैंने आपको बताया कि आप ऐसे दूध का इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कब, कौन सा, कैसे दूध पीना चाहिए। तो आपको दूध पीने, हमारे बॉडी में जो दूध पचाने के एंजाइम हैं वो रात को ही बनते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह के टाइम आप अपने नाश्ते के साथ हमेशा जूस लें। अगर आप दूध लेते हैं तो आप उसे बंद कर दें, आप जूस लेना शुरू करिए। कोई भी जूस लीजिए, थोड़ा लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप नींबू का शरबत बना के पीजिए नाश्ते के साथ। दोपहर में दही खाइए, दही के पचाने के एंजाइम हमारी बॉडी में दोपहर में ही प्रोड्यूस होते हैं। रात को दही मत खाइए, ना ही नाश्ते के साथ दही खाइए। दूध हमेशा रात में पीजिए, रात में खाना खाने के डेढ़ दो घंटे बाद आप इसे दूध को पीजिए। दूध को पी करके आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूध में जो वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन है, वो हमें रात में पीने से हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटीज भी बढ़ जाती हैं और हमें अच्छी नींद भी आती है। लोगों को वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम होती है, अगर रात को आप दूध पीते हैं तो वेट गेन भी नहीं होगा, वेट लॉस होगा। दूध कोई बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं है, जहां तक आप जानते होंगे कि एक दिन के बच्चों को भी दूध पिलाया जाता है। तो दूध उसको इसलिए पिलाया जाता है ताकि वो सिर्फ दूध ही डाइजेस्ट कर पाता है। अगर दूध हैवी फूड होता तो उन बच्चों को नहीं पिलाया जाता। अगर आपके मन में ये वहम है कि दूध बहुत हैवी होता है, मैं पीऊंगा तो बहुत मोटा हो जाऊंगा, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध पीने से कोई मोटा नहीं होता है। अब सवाल आता है कि हम कौन सा दूध पिए। अगर आप बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं, नॉर्मल हैं, बहुत ज्यादा आपको वेट गेन करना है, तब आप भैंस का दूध पीजिए, बफेलो। अगर आपका वेट नॉर्मल है, आप नॉर्मल चल रहे हैं, तो आप गाय का दूध पीजिए। अगर आपको देसी गाय का दूध अवेलेबल हो जाए तो वो और भी अच्छा है, लेकिन देसी गाय का दूध जनरली अवेलेबल अभी नहीं हो पाता है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नॉर्मल आप गाय का दूध पीजिए। गाय का दूध इजिली डाइजेस्टेबल है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिन्हें दूध नहीं पच पाता है, वो कैसे दूध पिए और दूध को कैसे पचाएं। तो दूध को पचाने के लिए, अगर बहुत से लोग जो किसी भी कारण से दूध छोड़ चुके हों, जैसे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती हो, या वो दूध शुरू से ही नहीं पीते, उनको दूध पीने के बाद बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है, बहुत ज्यादा दस्त होने लगता है, तो उनके लिए ये करना है कि थोड़ा सा दूध लें, आधा कप, थोड़े से शुरुआत करें, आधे कप दूध को बॉयल कर लें। बॉयल करते समय उसमें थोड़ी सी छोटी चम्मच सौंठ की डाल दें। सौंठ डालने से क्या होगा कि दूध को इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा और उसको पका लें। पकाने के बाद उसे छान करके आप उसे थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करिए, पीजिए
और दूध इजिली डाइजेस्ट होने लगेगा। थोड़े दिन आपको लगेगा कि मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन 2 4 5 दिन बाद आप इसे पीजिए, इजिली डाइजेस्ट भी होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सोंठ हर घर में इजिली अवेलेबल भी होता है, जिसे हम जिंजर पाउडर कहते हैं। आप दूध में डाल के इसे पकाइए, पीजिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपको दूध पीने में बहुत अच्छा लगेगा। धीरे 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 आप इसे बढ़ा दीजिएगा। और लास्ट में बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, आपको नॉर्मल अपनी डाइट में दूध को ऐसे लेना है, तो आप रात में दूध में हल्दी डालकर भी पी सकते हैं। थोड़ा सा कच्ची हल्दी लें, या नॉर्मल आपके घर में हल्दी जो भी हो आप उसे लें, दूध में डाल दें। दूध में डालने के बाद बॉयल कर लें, बॉयल करके उसे छान करके 1 कप दूध हल्दी वाला पीजिए। इससे घुटनों में दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस या जो भी ऐसी समस्या होगी वो जड़ से खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया दूध हमारे इंडिया में कितना न्यूट्रिशियस है, कितनी इसकी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से इसमें विटामिन होते हैं, कौन कौन से इसमें मिनरल्स होते हैं। तो आप भी दूध को अगर गलत तरीके से पीते हैं, तो शायद मेरी वीडियो देखने के बाद आप दूध को सही तरीके से पीना शुरू कर देंगे। और इसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत है, तो आप मुझे उस पर टॉपिक बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को नई नई जानकारियां देता रहूंगा। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।